देखिए दोस्तों, एक साइड से खा रहे हैं चिड़िया, फिर खाएंगे बंदर और सुअर। यहाँ पर लगे हैं दोनों भाई मस्त ढंग से, बड़े प्यार से सफाई करने में। पहाड़ी बुआरी तो आप लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन पहाड़ी चेला नहीं देखा होगा। आइए मिलाती हूँ मैं आपको पहाड़ी चेले से। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा पहाड़ी चेला, खेतों में गोबर फैलाने का कर रहे हैं काम। यहाँ पर हमारे भतीजे फेंक रहे हैं गोबर खेतों में, अपनी मम्मी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। खेतों की आधी सफाई तो हमारी धीरज ने की ना धीरू, अब गोबर का काम भी हमारे भतीजे ही कर रहे हैं। हमारे भतीजे हैं नेवी में, छुट्टी आए हैं घर, वो भी इंडियन नेवी में है हमारे भतीजे। और घर आके देखिए कितनी सारी हेल्प कर रहे हैं अपनी मम्मी की। यहाँ पर फेंक रहे हैं गोबर और नीचे पे बीज फैला रहे हैं, और उससे भी नीचे है ट्रैक्टर जो कर रहे हैं बुआई। वो बड़े भाई हैं और ये छोटे भाई, ये भी लग गए अपने काम पर, गोबर फेंक रहे हैं। नमन्या, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं पूर्वी की मम्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से अपने नए ब्लॉग पर। नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दोस्तों सुबह के 11 बजे से। आई हूँ खूबसूरत खेतों में, खेतों की सफाई करने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, बुआई चल रही है तो उनकी खेतों में जो खेत कल दिखाए थे मैंने, आज वो पूरी तरह साफ कर दिए हैं। ये देखिए दोस्तों, कल कैसे दिख रहे थे और आज कैसे दिख रहे हैं। यहाँ से लेकर लास्ट तक आज सारा हो गया है साफ। अब बस इसमें गोबर फेंकना बचा है, तो पहले मैं घर जाती हूँ, नाश्ता करके आती हूँ, फिर फेंकूँगी गोबर। आज नाश्ता नहीं कर रखा है। आई थी 9 बजे, आई थी शायद ऐसे ही आई थी घर से। ब्लॉगिंग तो थोड़ा पहले भी कर ली है, लेकिन मैंने सोचा जब पूरा खेत साफ कर लूँगी उसके बाद ही स्टार्ट करूँगी करके, तभी अभी कर रखा है पूरा खेत साफ, तभी मैंने सोचा एक बार ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। अब दोस्तों घास को इकट्ठा करती हूँ, घर ले जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। ये दीदी फेंक रहे हैं यहाँ पर गोबर, और लग रहे हैं खेत काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। ट्रैक्टर वाले उस साइड पहुँचे हैं, थोड़ी देर में आएंगे यहाँ पर। दादी ने कह दिया था कल सुबह ही कांटा निकालने के लिए, लेकिन टाइम नहीं हुआ कल, अभी निकाल देती हूँ मैं इनके हाथ से। दाजो से यो बेरी उसे मैं बोली थी जब मैं पहली थी, तो मैं निकालती हूँ इसको। निकल गई दोस्तों। ये था इतना बड़ा, पूरा लकड़ी घुसा था दादी के हाथ के अंदर, उंगली के अंदर, अब निकल गया है। ये थोड़ा पक गया है उंगली। अब ठीक है, ओ ठीक है जा। तो आ गई हूँ मैं खाना खा के, और सर में है बीज है, जा रही हूँ अभी। अब सबसे पहले खेतों में फेंकूँगी मैं गोबर, फिर करूँगी और करना है ऊपर को खेत साफ, फिर करूँगी। ट्रैक्टर वाले पहुँच ही गए हैं, थोड़ा पास पहुँच गए हैं, अब मैंने करना होगा फटाफट से। दोस्तों गोबर फेंकने का काम भी हो गया है, और मैं आई हूँ अभी दूसरी जगह, और लगी है बहुत तेज वाली पानी प्यास। दीदी आ रहे हैं पानी लेके, अब दीदी ला रहे हैं मेरे लिए पानी, वो भी खेत में से आए हैं। बर्तन कुछ है नहीं तो बाल्टी लाए, पूरी बाल्टी लाए हैं। आप बाल्टी लगाने हैं मुँह में, बाल्टी से पीऊँगी, ये मजाक नहीं है दोस्तों, सच्ची बात, हकीकत वाला है ये, बाल्टी से ही पीना है अब पानी। धन्यवाद यार। तो कब से लगी थी दोस्तों पानी प्यास, अब मैं पीती हूँ, बाल्टी से ही पीती हूँ, फिर करती हूँ अपने काम पर, फिर लगती हूँ और करना है दोस्तों खेत साफ करने हैं। वैसे अब लास्ट लास्ट वाला ही है
दोस्तों हल्का सा हो रहा है साहब, अब लाए हैं दीदी यहाँ पर संतरे। इस साल का पहला संतरा आज टेस्ट कर रही हूँ मैं, देखते हैं कैसा जैसा होता है। अब तो धूप भी जा रही है और दीदी इतने प्यार से लाए हैं तो खाना तो पड़ेगा ही नहीं तो ठंडा हो रहा है। अब ठंडा, धूप जाने ही वाली है तो ठंडा होना ही है। ये देखो दोस्तों, ये है इस साल का पहला संतरा जो मैं टेस्ट करूँगी अभी। आज तो पहला ही है दोस्तों, लेकिन थोड़े दिनों के बाद देखना आप लोग, हम तो इतनी बड़ी पोटली ले जाएंगे फिर खाएंगे। दोस्तों खेत साफ करते करते मैं अभी सबसे पहले गई मैं संतरा खाने के लिए, उसके बाद चूड़े जो दीदी लाए थे, मैंने उस समय फोन नीचे ही रह गया था तो नहीं बना पाई। ये दीदी लाए थे चूड़े, फिर हमने चूड़े खाए। अब जा रही हूँ मैं वहाँ पर चाय पीने के लिए। ये है हमारी दीदी, और क्या ही कहूँ इन दीदी के बारे में, कब से मुलाकात हो रही है, आजकल होती नहीं है, मिलते नहीं है ये दीदी हमारी। काम रहा भाई, बेटा छाना हम थी, ठंडा हो रहा है तो स्वेटर पहन ली है। और वो नीचे आई है मेरी बेटी, वो जो कर रही है शैतानी वहाँ पर। ट्रैक्टर पहुँचा है वो नीचे, कहाँ पर, वहाँ पर, यहाँ पर पहुँचा लिया मेरे लिए चाय। और मिशिर कहाँ हो, चिनवाल है। ये है दोस्तों मेरे लिए बरंडी लेके आए हैं, थोड़ा थकान दूर होगी ना तब। भलबल आ रही है ना दी, भलबल आ रही है। दीदी काट रहे हैं घास, पी लिया दोस्तों मैंने भी चाय। अब लगती हूँ काम में, ठंडा तो बहुत हो रहा है। यहाँ बजने हैं 3 और देखिए दोस्तों अब छाया आ गई है, हल्की सी बची है नीचे को, किनारों में, खेतों के किनारों में। ये देखिए दोस्तों छाया आ गई है, वैसे भी आजकल धूप कम ही आ रही है हमारे यहाँ। ये देखिए हमारे खेतों का नज़ारा, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। है भुवन भट्ट, भुवन भट्ट। अरे कहाँ जा रहे है तू, मैं ट्रैक्टर के हाथ देख। ठंडा नहीं हो रहा है तुझे ना? अभी बज रहे हैं 3:30 और हमारे खेत में अभी आए हैं, यहाँ पर बो रहे हैं हम लोग जौ, जो बीज फैला रहे हैं। जौ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को एक बार, हमें भी तो आफत आ रहा है। और दीदी दी पहला ठीक छ तुम ठीक छ कहाँ छ आज तक ठीक छुमार ठीक दिनाल छ हमार बुआ आ रहे तुम्हारे और तो घूमया पड़े छ कूम छ घूमो घूमो बजार है कम थोड़ा हो हमारे घूम बजार है तो भी हमारी यहाँ कदू बोल भी हो सब चीन नागा भी हो नागा जस कौन से ने तो बाबा के रही हो के रही हो बीमार बीमार जस्ता कहीं नहीं लग रही आधी हो गई है खेतों की सफाई। जो असली वाले खेत थे दोस्तों, भगवान जी की कृपा रही कि बना ही लिया है। अब थोड़ा बहुत है उसको कल करूँगी मैं, ज़्यादा नहीं है थोड़ा है। और जा रही हूँ अभी घर में, फिर घर जाके और घास काटने जाने हैं। आगे को मिलती हूँ आप लोगों से मैं। अभी आई हूँ दोस्तों मैं घास काटने के लिए, घर के थोड़ा बगल में आई हूँ। और साथ ही मैं गोबर लाई, घर जाके मैंने पी चाय, फिर जो आई मैं गोबर निकालने के बाद। अभी बज रहे हैं 5:16, अंधेरा होने वाला है दोस्तों। आ रही हूँ अभी मैं घर में, हुए 2 पुले घास के हुए और एक छोटा सा पुला काटा मैंने बकरियों के लिए, अंधेरा भी हो ही गया है। तो अब चलती हूँ घर में, अभी है और काम घर में बहुत सारा वाला, दिखाऊँगी मैं आपको आगे को। सिंगाली से राशन लाए थे और हैं चावल, अभी ले जा रही हूँ मैं घर में, पहुँची हूँ घर में, घर से थोड़ा नीचे थे। अब है मेरा काम दो बनाने का, उसके लिए सबसे पहले आग जलाऊंगी। आग जलाने से पहले छिलके को
काटूंगी सबसे पहले, वो कैसे काटूंगी दिखाती हूँ आप लोगों को। क्या हो रहा है, चप्पल क्यों नहीं पहनी है, क्यों हो रही है, क्या 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 छिलके को कर लिया है मैंने पतला, जितना पतला होता है उतना अच्छा जलता है। पूर्वी ला रही है छिलका जला के अंदर ही से, अब यहाँ पर जलाएगी पूर्वी आग, तो जला लेगी। मैं अब करती हूँ दोस्तों दो काटना स्टार्ट। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नए ब्लॉग पर, बाय बाय।